नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकबोनमित पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे जितनी भी आने वाली वीडियो होंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। हम एक बार फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि बेनियाबाग का है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन पार्किंग वर्क चल रहा है जो कि लगभग काफ़ी बड़े में है। आप सभी देख सकते हैं कि अभी बड़ा सा किरान यानी कि जो जेसीबी है वो अंदर चला गया, यानी कि अंडरग्राउंड भी इसमें पार्किंग बनाई जा रही है। पिछली वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि वहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम होंगे और क्या क्या बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें कई चीज़ स्विमिंग पूल से लेकर बच्चों के खेलने से लेकर योगा गार्डन और लगभग 400 इसमें कार भी अट सकेंगे। उसके साथ ही साथ 700 इसमें टू व्हीलर यानी कि बाइक वगैरह लग सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और भी कई तरह की इसमें सुविधाएं रहेंगी, बूढ़े बुजुर्ग जो भी आएंगे वो अपना इसमें योगा वगैरह कर सकते हैं, टहल सकते हैं। यानी बनारस के लोगों को एक तरह से अब कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो जिस एरिए के हैं वो उसी एरिए के अंदर यानी कि गार्डन के अंदर वो जाकर योगा या फिर एक तरह से टहल घूम सकते हैं और भी कई तरह की सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी कम वर्क हुआ था, लेकिन काफ़ी तेज़ी से वर्क होते होते देख सकते हैं कि ऊपर तक भी पूरा ढलाई हो चुका है। और यह सभी जितने भी बनारस में हो रहे हैं कार्य, उसके साथ ही इसका भी कंप्लीट होना तय किया गया है। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, ये पहले भी एक गार्डन था यानी कि पार्क था जो कि उतना सुंदर नहीं था जितना कि आने वाले समय में बताया जा रहा है या फिर बनने वाला है। तो अब बनने के बाद ही सभी को पता चलेगा कि क्या होने वाला है और कैसा गार्डन, स्विमिंग पूल और भी कई तरह की चीज़ें इसमें बनेंगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे पिलर ढाले गए हैं और ढेर सारी मिट्टियाँ भी आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। ये फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इसे हटाकर यहाँ पर भी वर्क स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी जो खनाई हुआ है उधर का वर्क चल रहा है। देखिए आसपास सारे जितने भी आप सभी को नज़ारे दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे सभी जगह वर्क चल रहा है। मज़दूर अब काफ़ी कम कर दिए गए हैं क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, अब तो समझ जाइए कि पूरी तरीके से खुल चुका है, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा एक तरह से पूरे यूपी में। तो इसको नज़र में रखते हुए अब यहाँ पे मजदूर लगाए जाएंगे जो कि बेनियाबाग पार्क का वर्क देखेंगे। यहाँ पर भी पिछले दिनों काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कोरोना काल को लेकर, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा है। उम्मीद है कि सभी जितने भी बनारस में कार्य हो रहे हैं उसको देखते हुए यह सब सही हो जाए। ये फ्रेंड देख सकते हैं कि ये बेनियाबाग रोड है जो कि राजा दरवाज़ा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी जाम लग गया है, पानी पूरा भर गया है फ्रेंड्स सीवर टूट जाने से, यानी सीवर का पाइप जो टूट गया था तो जिसके वजह से यहाँ पर पूरी रोड जो है भर गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में सीवर का पानी इसके अंदर घुस जाए, तो उसे बनाना काफ़ी ज़रूरी है जो कि अभी तक नहीं बन सका है। ये देख सकते हैं अंडरग्राउंड यहाँ पे वर्क चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, सीवर का पानी अब थोड़ा थोड़ा अंदर भी जाने लगा है, तो वर्क करने में काफ़ी परेशानी होगी। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, अब धीरे धीरे यह
पार्क अब एक तरह से पैकिंग हो रहा है, क्योंकि जितनी भी दीवारें टूटी थी या फिर नहीं थी तो उन्हें बहुत ही तेज़ी के साथ ढाल कर बना दिया गया है, यानी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है बाहर की दीवार। अब कोई भी अंदर जल्दी नहीं जा सकता है, वीडियो वगैरह बनाने तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो बनाने में फ्रेंड्स, अभी तो थोड़ा आसान है कि हम लोग जा पा रहे हैं और बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, काफ़ी मुश्किल से फ्रेंड वीडियो बन पाती है और हम आप सभी को दिखा पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। Yeah!